एमएमवी और मेन फैकल्टी में बहुत अलग है। एमएमवी में अटेंडेंस को लेकर काफी ज्यादा इश्यू है, वहाँ पे सब कुछ रूटीनली होता है। मेन फैकल्टी में अटेंडेंस भी चेक होता है, कितनी लड़कियां हैं कितनी नहीं है, एंट्री बहुत ये चीज सच में बहुत ज्यादा वहाँ की भयानक है कि 10 बजे चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, 10 बजे आपको महिला महाविद्यालय के गेटों के अंदर आ जाना चाहिए। नहीं तो अगर आप 2 मिनट भी लेट हैं तो उसके बाद आपको सबसे पहले आपके गार्ड सुनाएंगे कि आपको टाइम नहीं पता है क्या, फिर आपको उसके बाद अपना लेट एंट्री करना पड़ेगा। फिर आप लेट एंट्री करने के बाद जब अपने हॉस्टल पहुंचेंगे तो आपके हॉस्टल की जो नाइट वार्डन होगी वो आपको सुनाएगी। तो ये हम लोग थर कांपते थे, जैसे 10 बजे मतलब 9:45 पे, और अगर हम लोग लंका पे हैं तो फिर हम लोग भागना शुरू करते थे कि कैसे भी करके 9:59 पे ही हम लोग वहाँ पहुँच जाए। मैंने सुना एमएमबी की लड़कियां काफी ज्यादा तेज तरार होती है, वो तो 11 बजे भी जाती हैं एंट्री करके, ऐसा तो भी एंट्री हो जाता है। हमारे साथ तो ऐसा कभी नहीं। आप हमेशा टाइम पे जाती थी? हमेशा टाइम पे, बस एक दिन 10:03, वो भी मेरा लास्ट डेट था। अगले दिन मैं वेकेट करके जाने वाली थी। मैं अपने फैमिली के साथ काशी विश्वनाथ घूमने गई थी, 2 मिनट लेट थी मैं, उस पर भी उन्होंने मुझे सुनाया था। ओह माय गॉड, वेरी बैड। तो इस चीज में त्रिवेणी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। त्रिवेणी अच्छा है, बहुत अच्छा है। त्रिवेणी में क्या फील है? त्रिवेणी में ऐसा है कि 11 बजे तक गेट खुला रहता है, 11 बजे तक आप कभी भी जा सकते हो। वहाँ पे रजिस्टर रखा है, आप लेट एंट्री करो कोई इशू नहीं करेगा, आप सीधा अंदर चले जाओ। 11 के बाद आप आते हो तो गेट लग जाता है, और वो हॉस्टल्स के बाहर भी गेट लगा देते हैं। पर जब भी आप जाओ बोलो कि अंकल आना है तो आराम से गेट खोल देंगे, फिर जाके आपके हॉस्टल का भी गेट खोल देंगे। त्रिवेणी में ऐसा है कि 11 बजे गेट बंद हो जाता है और सुबह 5 बजे गेट खुलता है। तो और वहाँ पे अटेंडेंस भी इतनी कंपलसरी नहीं है, तो आपको काफी ज्यादा छूट है काफी ज्यादा। तो ये भी तो हो सकता है कि जब ग्रेजुएशन जो एमएमबी है वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को मेनली अलॉट होता है, तो ग्रेजुएशन में आप नए नए आए रहते हैं, तो आप पे थोड़ा सा रोक टोक लगाया जाता है कि आप जो है नियम कायदे से रहने। कहते हैं कि व्यक्ति जब छोटा रहता है तो उसको जैसा आप ढालेंगी वैसा वो बनेगा। इस पे ये चीज कहना चाहूंगी कि ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने बच्चा नया नया आ रहा है, उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, थोड़ा इमेच्योर होता है। सेकंड थर्ड ईयर तक वो बच्चे मेच्योर हो जाता है। और आप क्यों हर बार लड़कियों को ही आपको बंद करना है? लड़कों के हॉस्टल का फर्स्ट ईयर का लड़का इमेच्योर नहीं होता है क्या? तो अगर फर्स्ट ईयर की लड़की इमेच्योर होती है तो फर्स्ट ईयर का लड़का भी इमेच्योर होता है। तो आप उनके भी हॉस्टल के बिरला को भी आप बिरला ये बंद कीजिए, 10 बजे 11 बजे बंद कीजिए, 12 बजे बंद कीजिए, पर बिरला तो बंद नहीं होता है। कभी आप लोगों ने ऐसा किया है कि मान लीजिए जिस दिन खाना बना और दाल अच्छा नहीं लगा तो जिसे लड़के करते हैं महाराज दाल चौंके लेके आइए, दाल नहीं खाएंगे? कभी आप लोग ऐसे गुस्से में करती महाराज को ये महाराज करके ले आओ नहीं तो नहीं खाएंगे? नहीं करती? क्यों? कभी नहीं। ऐसा अच्छा मिलता है नहीं अच्छा भी नहीं मिलता। और ऐसे फिर ऐसा है कि हम लोगों के लिए वो अलग से आलू का वो बना के रखते हैं, आलू फ्राई, तो हम लोग उससे जिंदा जीने लायक खा लेते। अच्छा, कभी मान लीजिए जो जिनको हॉस्टल अलॉट होता है और वो मेस नहीं लेना चाहे तो क्या ऐसी भी कोई सुविधा है हॉस्टल में? कोई सुविधा नहीं है, यानी कि अगर आप लेना पड़ेगा। अगर हॉस्टल में आप रह रहे हो तो आपको मेस लेना पड़ेगा। और कोई मेस क्यों नहीं लेगा? जितना सस्ता खाना आपको हॉस्टल मेस में मिलता है आपको कहीं नहीं मिल सकता है। अगर आप बाहर लंका पे जाके इडली फ्राई भी खाना चाहेंगे तो आपके एक बार का 30-35 रुपये पड़ेगा, और वैसे ही आप जाके लंच करेंगे तो 50 रुपये की थाली पड़ेगी। रात में भी आपका 50-60 रुपये से नीचे नहीं जा सकता है। बिल्कुल। तो जितना अफोर्डेबल खाना आपको हॉस्टल मेस में मिलता है, और वो खाना अच्छा भी होता है। मतलब आपको सैलेड मिल रहा है, प्रॉपर सैलेड में आपको हर चीज मिल रही है। कितने लोग को हॉस्टल अलॉट होता होगा एक कोर्स? हमारे कोर्स में 10 लड़कियों को हॉस्टल मिला है, जिसमें से 7 लड़कियों को गंगा मिला है और 3 लड़कियों को गोमती हॉस्टल अलॉट। ये पीजी का ना? पीजी का। हाँ, पीजी। ग्रेजुएशन में कितना लोग को मिलता होगा? ग्रेजुएशन में बहुत कम लड़कियों को हॉस्टल मिलता है। मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन में सिर्फ नमीन है। मैं यहाँ पे मेन फैकल्टी में नहीं रही हूँ तो मुझे उसका ज्यादा आइडिया नहीं है। एमएमवी में अगर एक कोर्स में 100% लड़कियाँ हैं तो वहाँ पे 50% लड़कियों को हॉस्टल मिल जाता है। 50% तो मतलब एमएमवी में हॉस्टल मिलना काफी ज्यादा गारंटीड रहता है एक तरह से, अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा और आपका नंबर भी ठीक ठाक है। फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस और महिला महाविद्यालय की लड़कियों का जो विचारधारा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं? इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला महाविद्यालय में एज अ गर्ल आपको काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स है तो आप बिना किसी झिझक के उसमें पार्ट ले सकते हैं। बैडमिंटन है, क्रिकेट है, आप सब में ले सकते हैं। पर यहाँ पे क्रिकेट है तो मैंने नहीं देखा है कि एफएसएस में लड़कियों का अलग से कुछ क्रिकेट टूर्नामेंट वगैरह होता हो तो महिला, हाँ, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ का बहुत ज्यादा महिला महाविद्यालय में आपको इंसेंटिव मिलता है, मौका मिलता है, जो कि यहाँ मेन फैकल्टी में नहीं है। यानी कि आप महिला महाविद्यालय को ऊपर मानती हैं और एफएमटी को नीचे मानती हैं, एक तरह से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अदर एक्टिविटीज में भी और वहाँ पे काफी ज्यादा डिसिप्लिन है। मेन फैकल्टी में प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन दोनों काफी कम है। जैसे एग्जाम के हम लोगों को एक वीक पहले यहाँ पे अनाउंस हुआ था कि एक वीक पहले आप लोगों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, जब हमारी काफी क्लासेस कुछ पेपर की स्टार्ट भी नहीं हुई थी, तो ये काफी बड़ा डीमेरिट है। हम लोग सेकंड पेपर के दिन आ रहे थे और हम लोगों को यहाँ आके पता चल रहा था कि पेपर कैंसिल हो चुके हैं। यानी क्लैरिटी नहीं है यहाँ पर, आप दे लैक प्रोफेशनलिज्म। अब तो अच्छी बात है, तो आपने काफी बताया। मैंने बैकग्राउंड में कुछ सुना था कि मुझे सुनने में आया था कि वहाँ पे चूहा हुआ भी निकल जाता है और ऐसा कुछ हॉस्टल में सीन होता है क्या? तो इस पे मैं साफ सफाई को लेके कि जैसे कुछ लड़कियां हैं जो काफी डॉग फ्रेंडली हैं, जो डॉग लवर्स होते हैं, तो उनका मानना है कि डॉग्स को आने दो, वो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं करते हैं और उनकी भी फ्रीडम है, वो घूम सकते हैं। पर वो डॉग्स आके जो कचड़ा है, कचड़े की बाल्टियाँ गिरा देते हैं और भी काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं जो मैं नहीं कह सकती हूँ यहाँ पे। तो ऐसा है कि कुछ उन डॉग लवर लड़कियों के कारण कुछ लड़कियों को जो इतनी ज़्यादा डॉग इशू होता है, तो क्या हॉस्टल में डॉग रखना अलाउ है? हम लोग अपने नहीं रख सकते, पालतू नहीं रख सकते, मतलब पर जो घूमते घामते चले आते हैं, हाँ, कभी कभी। और बिल्लियों ने तो हम लोगों का जीना हराम करके रखा है। हाँ। हम अपने रूम को गेट नहीं खोल सकते हैं, हम गेट खोला है, हम सुबह देख रहे हैं बिल्ली हमारे ऊपर बैठी हुई है। ओह माय गॉड, बिल्ली तुम्हारी इतनी हिम्मत, नहीं बैठना अपने। हाँ, तो वो हॉस्टल कम करके जू ज्यादा लगता है। अच्छा, तो एक ये चीज है। और बाकी साफ सफाई को लेकर कैसा है हॉस्टल? साफ सुथरा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, और टेबल्स वगैरह में क्या क्या मिलता है? इस पे हॉस्टल की क्लीनलीनेस पे मैं कहना चाहूंगी कि जितनी भी क्लीनलीनेस वर्कर्स हैं वहाँ पे, तो सब काफी एजेड आंटीज हैं जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग देयर ड्यूटी बस ऐसे 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 सफाई करके चली जाती हैं। जैसे कि एक इंसिडेंस था जिसमें हमारे हॉस्टल में एक छिपकली मर गई थी और वो 3 दिन तक वहीं मरी पड़ी रही थी। उसकी डेड बॉडी भी उठा के उनने फेंक दी थी, पर उसके थोड़े बहुत पुर्जे छोड़ दिए थे। अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं हुआ? नहीं, अंतिम संस्कार। ओह माय गॉड, छिपकली देखिए उसकी आत्माएं भटक रही होंगी, उसको मणिकर्णिका घाट कम कम ले जाकर उसको अंतिम संस्कार करना चाहिए। और मैं हॉस्टल प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ, वो छिपकली के अंत अभी तक वही है, उसको साफ कराइए आप। तो ओवरऑल आपको दोनों हॉस्टल के अगर हम कंपेरिजन करते हैं, आप महिला महाविद्यालय में भी रही हैं और त्रिवेणी हॉस्टल में भी रही हैं, दोनों में से क्या कौन सा आपको बेहतर लगता है और क्या आपको कमियां दिखाई देती हैं? जैसे कि अभी सिक्योरिटी पर्पस से आपने थोड़ी देर पहले वो बताया था कि ग्रेजुएशन की लड़कियां महिला महाविद्यालय में रहती हैं, तो उनका स्ट्रिक्ट होना इसलिए बनता है। पर जैसे त्रिवेणी में आके लड़कियां यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की हैं, पीएचडी की हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है। तो एक तरह से त्रिवेणी इस चीज़ में है कि हाँ वो कम स्ट्रिक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मेच्योर लड़कियाँ रहती हैं। एक डिमेरिट ये है कि जैसे कोई लड़की शादीशुदा है या पीएचडी स्कॉलर है, तो अगर हमको अपने घर जाना है तो हमको वार्डन से कह के अपनी पेरेंट्स को पहले कॉल करवाना पड़ता है। वार्डन हमारे घर वालों से पूछती है कि क्या आपकी ये डैश डैश बेटी घर आ रही है, और अगर हमारे पेरेंट्स ने बोला कि हाँ वो आ रही है, तभी हम लोगों को घर जाने की परमिशन मिलती है, नहीं तो हम लोग घर नहीं जा सकते हैं। तो अगर कोई शादीशुदा महिला है, उसके पास इतना तो इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि वो जब मर्जी आए तब अपने घर जा सके और उसे ऐसे अपने परिवार से ना पूछना पड़े। तो एक ये बहुत बड़ा डीमेरिट है। और दूसरा टाइमिंग को लेके काफी ज्यादा थोड़ा सा वो टाइमिंग को लेके त्रिवेणी में है कि 11 बजे गेट बंद हो जाता है, पर वो है इजीली अगर हम लोग चाहें तो हम लोग आ सकते हैं। ओवरऑल मोटा मोटी जो है आप BHU हॉस्टल में रह रही है तो आप संतुष्ट है? कुछ कम मतलब एक तरह से देखा जाए जो लड़कियां बाहर रह रही हैं तो उनको दूर पड़ जाता है काफी ज्यादा, उनको खाने में भी काफी दिक्कत होती है। तो एक तरह से जो त्रिवेणी है वहाँ पे हमको सिक्योरिटी अच्छे से प्रोवाइड होती है, कोई भी गेट से अनजान व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता है, सबका पूरा वेरिफिकेशन होता है, उसी के बाद वो त्रिवेणी के गेट के अंदर आ सकते हैं। तो सिक्योरिटी में अच्छा है, खाने में अच्छा है और हाईली अफोर्डेबल है। मतलब जो लड़कियाँ गरीब बैकग्राउंड से आती हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाएं हैं वहाँ। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल अभी आपने देखा मैंने MMV हॉस्टल, त्रिवेणी हॉस्टल या फिर कह सकते हैं कि BHU के जो भी हॉस्टल थे गर्ल्स हॉस्टल को लेकर खासकर मैंने इनसे बात किया, और जो भी आपके सवाल होंगे आई होप कि आपको वो क्लियर हो चुके होंगे। छोटे मोटे जो भी सवाल होंगे अगर आपको लगता है कि वो आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि जो भी आप पूछना चाहें, वो माय गॉड भैया मैं ये जानना चाहती हूँ, वो जानना चाहती हूँ, भैया जो उसका भी क्वेश्चन एक फ्रेम करके अगले बार भी वीडियो बना देंगे या फिर वो चीजें हम कमेंट में आपका जवाब दे देंगे। शिवाली जी से बात की और शिवाली जी ने बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरती के साथ जवाब दिया, सारा चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और तैयारी करते रहिए।